मशीन मेन से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिख रहा है, तो स्टार्ट का बटन दबाया तो 3 सेकंड के बाद में मशीन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद ही पैर पर उस पे रखना है ना, बेल्ट पे, उससे पहले खड़े कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में स्पीड लोवेस्ट रखो, जब मशीन बंद करना है तो लोवेस्ट स्पीड में लेके ही मशीन बंद करो, नहीं तो नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो हाई स्पीड में मशीन स्टार्ट होगा तो उसको गिर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे स्पीड के बटन से 2, 4, 5, 6, 8, 10 डायरेक्ट स्पीड देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, और एक एक करके बढ़ाना है स्पीड तो यहाँ पे फास्ट और स्लो का बटन है, तो ये मैनुअली दबाओगे तो ये हो जाएगा। मिनिमम स्पीड 1 है ना? हाँ, और इसका मिनिमम स्पीड 1 है और मैक्सिमम 10 स्पीड है। उसके बाद में इसका इंक्लाइन और डिक्लाइन का भी पोजिशन होता है, मतलब इसका हाइट बढ़ जाता है, स्लोप आ जाता है, तो उससे पहाड़ चढ़ने जैसा फीलिंग आता है, तो उसमें ज़्यादा थकान हो सकती है। उसके बाद में इसको भी सेम हम 2, 4, 6 यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से अप और डाउन का बटन है। उसके बाद में यहाँ पे फैन का बटन है, इससे यहाँ का यहाँ पे एक छोटा सा फैन है वो चालू हो जाता है पेशेंट की कूलिंग वीलिंग के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे एक दूसरे साइड में इंक्लाइन और डिक्लाइन का दिया है, हाइट बढ़ाने का और कम करने का, तो आप ये यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडमिल में अगर मशीन नॉर्मल जीरो की पोजीशन पे होती है तो यहाँ पे सिर्फ इतने वाले LEDs एक्टिव होते हैं, उसका मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ से, मतलब पैर की एक्सरसाइज है। जब उसका हाइट बढ़ता है, इंक्लाइन पोजीशन में आता है, तो ऊपर के 2 LEDs भी ग्लू होते हैं, उसका मतलब है कि ऊपर की बॉडी पार्ट का भी एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। बस स्टॉप का ही बटन है।